नज़दीकी रिश्तेदारों की ओर से आपके विरोध किए गए कार्यों के कारण तनाव की स्थिति बनेगी। खास होने में उलझना उलझाने की अपेक्षा मधुरता से बात करना आपके हित में रहेगा। शब्द मंत्र बेखौफ शराब माफिया। शराबखोरी के खिलाफ बन रहे माहौल से शराब माफिया बौखलाया हुआ है। नियत्य महिलाओं की पिटाई की घटना से भी यही परिलक्षित होता है। राजस्थान में अलवर शहर में शराब के ठेके का विरोध कर रही महिलाओं को जिस तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उसके साथ ही राज्य में शराब माफिया बेखौफ है। ठेकेदार के लठेत महिलाओं को इस तरह से पीट रहे थे जैसे उन्हें किसी का डर नहीं है। देश का संविधान हर व्यक्ति के विरोध का अधिकार देता है। महिलाएं शांतिपूर्वक शराब के ठेके का विरोध कर रही थी, उनको मार पीट कर भगाने वाले जैसे ही संदेश दे रहे थे कि शराब के ठेकों का विरोध करने वालों का यही अंजाम होगा। विरोध को दबाने का ये तरीका अनुचित है। शराब ठेकों के विरोध में राज्य के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इसकी वजह यह है कि शराब बेखौफी के कारण परिवार बर्बाद हो रहे हैं। पुरुष सदस्य शराबखोरी की वजह से निकम्मे बन रहे हैं और महिलाएं बच्चों का उत्पीड़न कर रहे हैं। बिहार में भी महिलाओं ने शराबबंदी की मांग उठाई थी। नीतीश सरकार ने तो समस्या की गंभीरता समझकर वहाँ शराबबंदी नहीं हो पाई है, लेकिन शराब के ठेकों का मुखर विरोध तो हो ही रहा है। शराब के ठेकों को बंद करवाने के लिए कानूनी प्रावधानों का सहारा भी लिया जा रहा है। राज्य में ये प्रावधान है कि यदि क्षेत्र के सही मतदाता शराब के ठेके के विरोध में हों तो ठेका बंद किया जा सकता है। इस प्रावधान का सहारा लेकर हाल ही राजसमंद जिले की खास वाली पंचायत में शराब का ठेका बंद करवाया जा चुका है। अब इस तरह की मुहिम दूसरे स्थानों पर चल रही है। माहौल से शराब माफिया बौखलाया हुआ है। राज्य में मन रहे माहौल से शराब माफिया बौखलाया हुआ है। अलवर में नियति महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर डंडों से पीटने की घटना से भी ही परिलक्षित होता है। पुलिस और प्रशासन से जुड़े अधिकारी समय रहते सक्रियता दिखाते हुए ठेकेदार की लठेत इस तरह से दुस्साहस नहीं करती। राज्य सरकार के मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषियों के सख्त कार्रवाई के निर्देश देने चाहिए। शराबबंदी की मांग नहीं मानने से सरकार के अपने तरफ हो सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि शराब के ठेकों का शांतिपूर्वक विरोध करने वाले लोगों को समाज कंटक निशाना न बनाए। अंतर्मन एक राजा था। एक दिन उसने सोचा कि उन्हें ऐसे जीव जंतुओं की खोज की जाए जिनकी संसार में कोई उपयोगिता ही न हो। बहुत दिन तक खोजने के बाद पता चला कि संसार में जंगली मक्खी और मकड़ी बिल्कुल बेकार हैं। उसने उन्हें ख़त्म करने का आदेश दिया। राजा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा निकला। कद थक कर एक जंगल में पेड़ के नीचे सो गया। तभी जंगली मक्खी ने उसको काटा तो राजा की नींद खुल गई। उसे लगा खुले में सोने से शत्रु उसको मार देंगे। तभी एक गुफा में जाकर सो गया। राजा जैसे ही गुफा में गया वैसे ही मकड़ियों के एक झुंड ने गुफा का मुंह गाल से बंद कर दिया। शत्रु के सैनिक राजा के खोजते वहाँ आए, लेकिन गुफा में मकड़ी का जाला देखकर सोचा कि शायद यहाँ कोई नहीं है। यदि होता तो ये जाला टूटा हुआ होता और वे चले गए। तब उसे जंगली मक्खी और मकड़ी की उपयोगिता के बारे में पता चला। इस तरह उस राजा ने फिर कभी भी इस तरह की अजीब घोषणाएँ बहुत नहीं की। किसी से आप जो करवाना चाहते हैं उसकी इच्छा से कार्य करने की कला ही नेतृत्व है। डेविड आर्डेन अनमोल वचन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख राहिल शरीफ के बीच टकराव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। पीएम शरीफ ने अपने पक्ष साफ करते हुए कहा कि वे सिर्फ अल्लाह के सामने से झुकाते हैं। अल्लाह और हवा के प्रति टीवी चैनलों पर दिए अपने भाषण में उन लोगों को कड़ा संदेश दिया है कि जो उनकी सरकार अस्थिर करने में लगे हैं।
साहिल का इशारा नवाज की ओर। आर्मी चीफ साहिल शरीफ ने अधिकारियों को बर्खास्त करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भ्रष्टाचार के रहते नहीं जीता जा सकती, इसलिए भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की खातिर हम सबको अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। माना जा रहा था कि साहिल शरीफ का इशारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ था। आर्मी चीफ की कार्रवाई के बाद शरीफ पर दबाव भी था। उत्तराखंड पर संसद में बहस चाहती है कांग्रेस, दिए नोटिस। यौन उत्पीड़न के आरोपी पायलट को हटाया नई दिल्ली। स्पाइस जेट में अपने कमांडर स्तर के एक पायलट को यौन उत्पीड़न के आरोप बर्खास्त कर दिया है। कंपनी की एक आंतरिक शिकायत समिति जांच में पायलट को एक एयर होस्टेस के साथ दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया। यह घटना 28 अप्रैल को कोलकाता बैंकॉक उड़ान के दौरान घटी थी। घटी थी कमांडर ने एक होस्टेस से कॉकपिट में अपने पास बैठने को कहा था। हेलो सुमाल्या ने अमेरिका में खरीदी बड़ी प्रॉपर्टी, हमारे यहाँ तो ऑल पार्टी है। मेरे मन में कबीर दर्द, मैं कबीर सबनम माटी का सब बामन बनिया, माटी का सकल सारा इस माटी में सबको मिलना है गए दास कबीरा हो। जयपुर गुलाबी नगर की फिजा वैसे ही बॉलीवुड कलाकारों सरेशान रहती है, पर ऐसे बहुत कम दिन होते हैं जब एक ही दिन में महानायक अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, संजय दत्त, मान्यता दत्त रविवार को महानायक अमिताभ बच्चन भी जया बच्चन राजस्थान के दौरे पर जयपुर पहुँच रहे हैं। उनका यहाँ पर एक कार्यक्रम शिरकत करने के बाद उदयपुर और जोधपुर जाने का प्रोग्राम है। नए विचारों को जन्म देती है किताबें। सभ्यता और संस्कृति के विकास में पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान है। पुस्तक नए विचारों को जन्म देती है जिससे ज्ञान का उदय होता है। हालांकि ज्ञान प्राप्ति के नए नए उपकरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हैं, लेकिन ये मशीनें पुस्तक का विकल्प कभी नहीं बन सकती, ये कहना है लेखक एवं कवि डॉक्टर नरेंद्र शर्मा कुसुम का, जो शनिवार को राधा कृष्ण पुस्तकालय में आयोजित विश्व पुस्तक दिवस पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पुस्तकें पीढ़ी दर पीढ़ी एक रसनात्मक संबंध स्थापित करती हैं, जबकि मशीनें अथवा अन्य उपकरण सुविधा और ज्ञान तो दे सकते हैं पर आत्मीयता नहीं दे सकते। किताबें प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलती है। उन्होंने पुस्तकालय में सदस्यों से आह्वान किया पुस्तक रूप की दिए कि बाति को जलाए रखे। कवि माया मृग ने कहा है किताबें एक बहुत लंबी यात्रा तय कर यहाँ तक पहुँची हैं। किताब हर युग में बदलती रही है। राज्य पुस्तकालय अध्यक्ष सुप्रा साल ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। संचालन लक्ष्मीकांत अवस्थी ने किया। कवि एक्स यूज भट्टो, मैं IIT दिल्ली में MPA ग्रेजुएट हूँ। कॉलेज में ये रुतबा था कि जो भी लेट आएगा उसे सबको पाइपलाइन होगी। कॉलेज की बात दो होने कारण मैं अक्सर लेट होने की वजह से बताता तो टीचर यही कहते थे कभी इस समयूज मत दो, आगे चलकर जब आप जॉब करोगे तो कंपनी आपको एक्सक्यूज बनाने के लिए सैलरी नहीं देगी। टीचर की कही इस बात से मेरी लाइफ बहुत चल जाया और मैं हमेशा इस बात को याद रखता हूँ। अमित टंडन स्टेबस कॉमेडी समर्थन का रेशमी बात शुरू हुई थी। शहर की भीड़ भाड़ में उगले वेद राष्ट्रमूर्ति असुविधा के प्रभाव उनके अतिक्रमण ने कोल निकाली। टूर किया किसी भी ब्रांडों में बैठने वाले फुटकर व्यापारियों को इंगित कर रहा है कि एक बार फिर से ऑपरेशन पिंक में इनको हटवा देना चाहिए ताकि शहर सांस ले सके। बूढ़ी माई सहतूत बेच रही थी, बोला उठी बारे मारा राम जी सेठा की तो हवेलियाँ पे पेंटिंग भी सरकार करवा वो छः अनम्मा के अड़े बैठवा भी रोक छः बरामदे की चांदनी से सुसेठा की ऐसी मशीन लगा दी छः माने तो कोई हटवावा की बात ही को नहीं करे। बूढ़ी माई का कहा कई सवाल छोड़ गया है जिसमें जयपुर की चार दीवारी हो रही है पेंटिंग और रंग रोगन से संबंधित सवाल भी थे। करदाता पैसों से शहरों का सौंदर्यीकरण होता है और निजी हवेलियों को सजा के तैयार होती हैं तो सपना से उठता है कि क्या फसाद या बाजार में दिखने वाले हिस्से संरक्षित घोषित हो गए हैं। यदि हाँ तो फिर इनमें किसी भी प्रकार के यूनिवर्स के लिए क्या नियम है। भवन खाली पर क्या रोक और विधि नहीं है तो बाकी घरों रंगाई पुताई सौंदर्यीकरण सागर द्वारा करवाई जाएगी। भूखी माही गलत नहीं है प्राम नीचे सरकारी उतनी छत पर भी आप इन छतों पर जा नहीं सकते हो। तारों के जाल बिछड़े हैं और इसलिए जैसी कि आउट यूनियन का दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि ये भवनों के बरामदे में नहीं थे। फुटकर लिए फुटकर व्यापारी का अतिक्रमण तो रात को ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा तो रेशमी वाली बात, हम भेदभाव वाला समाज है इसमें कोई शक नहीं है। हम लड़का और लड़की भी भेद करते हैं। जो नहीं वाली बात बेटा कहे उसे बताया कि बेटी कमतर होती है। इस दीवार में हमें स्टोर में सब्जी दालें खरीदते हैं और बिल पर बैठ भी देते हैं पर फुटकर सब्जी वालों से
मोल भाव करके उसे दबाने की कोशिश करते हैं। हम प्लेन का टिकट आराम से खरीदते हैं, पर रिक्शे वाले से जिग जिग करते हैं कि जो लोग विषम तीव्रते वस्तु में भी चोरी नहीं करते या भीख नहीं मांग रहे हैं, वरना मन के इनके प्रकरण अपने स्वाभिमान के साथ रोटी का कमा रहे हैं। वे समाज के लिए छोटे छोटे आरामदायी है जो राह दिखा सकते हैं। हमारे समर्थ के प्रति झुकाव न जाने अनजाने के बच्चों को गलत शिक्षा भी दी है और उनको सफलता का दबाव भी बनाया है। ये दिन बच्चों के लिए यही दबाव वाले दिन है। परीक्षा और रिजल्ट के दिन इतने तनावपूर्ण होने चाहिए कि बच्चा को जान देने पर उतर आए या घर छोड़ जाए। सब्सक्राइब दिए मित्रों।